गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 23 सितंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:46 हो रहे। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इस वीक के शुरू से ही हम एक जबरदस्त गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो यूरोप में फिर से एक बार लगातार बढ़ रहे, तो वहाँ पर कुछ जगहों पर लॉकडाउन फिर से कर दिया है, तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो HSBC बैंक का इशू आ रहा है उसके मद्देनज़र और भी यहाँ पर एक पैनिक मूव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,291 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,216। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ टूवर्ड साउथ की तरफ। ये जब मूव किया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,185 और सेकेंड टारगेट 11,159, ये दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। और काफ़ी एक साइडवेज पैटर्न में पूरे दिन निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते रहा और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के आसपास ये आके क्लोज हुआ। तो फ्राइडे कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल का एनालिसिस का रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार ने फिर से एक बार जोरदार वापसी की कोशिश की। नाजडेक करीब 184 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, लेकिन फ्लैट नोट के साथ ये इस समय ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जापानीज इंडेक्स दो दिन की छुट्टी के बाद एक गिरावट के साथ यहाँ पर ओपन हुआ है, 139 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 79 पॉइंट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में एक मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अभी ये जो लेवल हमारा बन रहा था 100% का, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, अभी इसी लेवल के आसपास आके ये ट्रेड कर रहा है। अभी तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम। अभी तक 3 दिन बाकी है वीक खत्म होने के लिए, क्लोज का होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर यहाँ से ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नीचे अभी ये जो क्लस्टर बन रहा है मूविंग एवरेज का, इसके आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, यानी 10,900 के पास। अगर यहाँ से इसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले, ये जो अपसाइड मूव आया है इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले, तो कल एग्जैक्ट इसने ये 11,089 के पास इसने ये सपोर्ट लिया। तो अभी नेक्स्ट अगर यहाँ से भी ये लेवल को भी अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे 10,650 का 38.2% का लेवल दिखा रहे, लेकिन इसके बीच में ये क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का 10,800 टू 10,900 के आसपास। तो यहाँ पर हो सकता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेस्ट करें। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 10,650 तक निफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स ये अभी जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न जो यहाँ पर बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से अगर फॉल भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो 10,650 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में ये जो अभी यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल निकाला था, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के अभी ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है, तो हमें ये स्विंग हाई स्विंग लो और स्विंग हाई मिल रहा है। तो इन 3 पॉइंट को पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, और कुछ लेवल्स मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 76.4 और 123.6, तो आप देख सकते हैं कल ये एग्जैक्ट 11,152 के पास ये क्लोज हुआ है 76.4% के लेवल के पास। अगर ये कल का लो ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में 11,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वीकली चार्ट में हमने देखा कि 11,184 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ से अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है, तो वहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। अभी ये 50 EMA के आसपास है, 50 EMA को ब्रेक कर दिया है, लेकिन
कंफर्मेशन नहीं है, और एक कैंडल बनना होगा यहाँ पर रेड कैंडल, तो यहाँ से और टुवर्ड्स निफ्टी नीचे आ सकता है, इसका कंफर्मेशन मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक देखा है और फिर से एक टुवर्ड साउथ की तरफ एक मूव देखने को मिले, तो जब तक कल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक और यहाँ से टुवर्ड्स साउथ की तरफ पोजिशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो ये लेवल्स है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन, इन लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आने वाले लेवल्स हमें इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। ये 60 मिनट के चार्ट है। अभी कल इसने यहाँ पर एक बेस बनाया इस लेवल के पास, इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया, तो 11,120 के नीचे चला जाता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन सॉरी सेल पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,090, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,067, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो यहाँ पर ये अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो अगर डबल बॉटम यहाँ पर बनता है, निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ आ जाता है तो ये नेक लाइन बन जाएगा, डबल बॉटम फॉर्मेशन का ये नेक लाइन बन जाएगा। तो निफ्टी इंडेक्स 11,210 आप देख सकते हैं, पास्ट में यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ था, तो 210 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,238, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,258, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।